अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ अरीब राशिद और मैं 19 साल का हूँ। तो दोस्तों, आज को 1 नवंबर 2022 है और मैं झूठ नहीं कह रहा, लेकिन सच में कल इतनी सर्दी नहीं थी, लेकिन आज अचानक जो है थोड़ी सी सर्दी पार की है। अभी जो है वो अभी 23 डिग्री सेल्सियस पर है टेम्परेचर, मजाक नहीं कर रहा दोस्तों। तो बहुत ही अच्छा मौसम है और मतलब बहुत ही मॉडरेट है, लाइक एक मतलब अगर 20 डिग्री सेल्सियस पर अगर टेम्परेचर हो तो वो ज़्यादा ठीक है ऑब्वियसली, लेकिन ये भी बहुत अच्छा ही है। मैं हर किसी ये नहीं कह रहा कि अच्छा नहीं है, बहुत ही अच्छा मौसम है आज को। तो धूप बिल्कुल भी नहीं है, जैसे आप देख सकते हो हर जगह क्लाउड्स हैं और मेरे ख्याल में थोड़ी सी बारिश भी हो रही है। बहुत अच्छा मौसम है, 1 नवंबर है, ज़ाहिर सी बात है। तो इस महीने में एटलीस्ट इतनी तो सर्दी तो पड़नी चाहिए, और मेरे ख्याल में ये शॉर्ट स्लीव जो है ये जैकेट बनती नहीं है, मतलब सॉरी मेरा मतलब ये शॉर्ट स्लीव वाली जो शर्ट्स ये तो इस मौसम में नहीं पहननी चाहिए, मतलब लॉन्ग स्लीव की शर्ट ही पहननी चाहिए, क्योंकि अभी 23 डिग्री सेल्सियस पर है टेम्परेचर, बहुत ही अच्छा है दोस्तों। तो चलो मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। दोस्तों मैं अभी यहाँ पर सिर्फ हवा घूम रहा हूँ, मैं मतलब काफ़ी अच्छी हवा है और काफ़ी बहुत ही अच्छा मौसम है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं सर्दी भी बहुत है, लेकिन काफ़ी तेज़ हवा है, तो वैसे ही काफ़ी मॉडरेट वेदर है। मैं इतना ही चाहूँगा, लेकिन मैं ये कह रहा था कि मतलब ये वाला मौसम अच्छा है, ये मतलब वो हुडी वाला मौसम है, मतलब जहाँ एटलीस्ट इंसान जैकेट पहन सकता है, मतलब ये मैं पहले कहने की कोशिश करता हूँ, भूल गया था। तो ये बहुत ही अच्छा मौसम है, तो देखते हैं फिर। आज 1 नवंबर है, तो अचानक जैसे नवंबर शुरू हुआ है, चाहे 1 नवंबर ही हो, अभी भी अचानक 1 नवंबर शुरू हुआ तो सर्दी शुरू होगी। तो बहुत ही अच्छा मौसम है, तो क्योंकि बारिश अभी थोड़ी सी हो रही है, जैसे कि आप देख सकते हो ये गीला है यहाँ से सारा, देख सकते हो दोस्तों, क्योंकि ये बारिश हो रही है थोड़ी सी, बहुत थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, मतलब ऐसे नहीं कि पता चल जाए कि, या कैमरे में नहीं पता चलेगा, लेकिन थोड़ी सी बारिश हो रही है। तो चलो मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। दोस्तों बहुत ही तेज़ हवा है यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हो कि अभी तूफ़ान तो शायद नहीं लगा हुआ, तूफ़ान शायद चला गया, अभी मैंने चेक नहीं किया, लेकिन शायद चला गया, क्योंकि कल को 3 नंबर का लगा हुआ था, पॉसिबल है अभी लगाओ क्योंकि बारिश हो रही है और हवा भी है, लेकिन अभी 23 डिग्री सेल्सियस पर है टेम्परेचर, बहुत ही अच्छा मौसम है। और ये बारिश ऊपर पा रही है, जैसे आप कैमरे के ऊपर देख सकते हो, तो थोड़ा अनक्लीन हो गया, तो इसलिए अभी बहुत ही अच्छा लाइक वेदर है, हवा है आगे का और सुकून है यहाँ पर। तो चलो मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। दोस्तों मैं अभी तक यहाँ पर ही, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छा मौसम है, बहुत बारिश भी हो रही है, कपड़े देखो कैसे हाल है, तो काफ़ी लगती है सब हाल है, बहुत ही अच्छा मौसम है। और अभी तो मैं सिर्फ अभी यहाँ पर थोड़ी देर घूमूंगा और फिर मैं थोड़ी देर बाद घर से अभी जाऊँगा। तो चलो मैं आपसे बाद में, और वैसे भी ये क्लाउड्स देखो दोस्तों इतने खूबसूरत है, मतलब कहीं भी धूप नहीं है और बहुत ही लाइक हवा है और बहुत ही मॉडरेट वेदर है और बहुत ही मज़ा आ रहा है दोस्तों। तो मतलब नवंबर फिलहाल, जो पिछले साल जो अक्टूबर में जो मौसम था, वो इस बार अभी नवंबर में आ रहे हैं, और शायद पिछली बार नवंबर में थोड़ी सी ज़्यादा सर्दी थी मेरे ख्याल में, तो जितना मुझे पता है। तो चलो मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो, अभी मैं यहाँ L2 में आ गया हूँ थोड़ा सा, तो यहाँ भी कोई नहीं है, तो ऑब्वियसली थोड़ी सी बारिश तो हो रही है, इसलिए यहाँ कोई नहीं है, नहीं तो इस हवा में
खुली जगह में कौन नहीं घूमना चाहता। तो बहुत ही अच्छा मौसम है दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि फ़िलहाल तो कोई नहीं है यहाँ पर, तो थोड़ा सा यहाँ बस घूमूंगा अभी, तो फिर थोड़ी देर बाद घर चलूँगा। तो बहुत ही अच्छा मौसम है, तो 1 नवंबर आज को, तो इसलिए बहुत ही अच्छा मौसम है आज को। तो और वहाँ पीछे जो है उन्होंने एक बंद कर दिया है, वो क्या इसको कहते हैं, ये लाइक जहाँ से मैं नीचे जाता था पौड़ियाँ जो हैं वो इन्होंने बंद कर दिए, क्योंकि ये मुझे लगता है ये पौड़ियाँ अभी यहाँ से काटने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो इन्होंने यहाँ से बंद किया हुआ, वो देखो दोस्तों इन्होंने पौड़ियाँ यहाँ से बंद कर दी, क्योंकि ये अभी पट देंगे शायद, पॉसिबल है पट देंगे, वरना ऐसे तो कोई नहीं है बंद करता। हो सकता है क्योंकि अंडर अंडर कंस्ट्रक्शन है जो ये प्लाजा, तो उसकी वजह से बंद किया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये काट देंगे, क्योंकि पहले भी अंडर कंस्ट्रक्शन ही था प्लाजा, तो तब हम जा सकते थे। तो चलो मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। तो दोस्तों मैं अभी घर जा रहा हूँ, तो जैसे आप जानती हो कि बारिश हो रही है, तो इसलिए मैं ज़्यादा देर बाद नहीं खड़ा हो रहा हूँ, ऊपर से काफ़ी टाइम भी हो गया था ना, तो मैं थोड़ा अभी रेस्ट करूँगा, फिर इंशाल्लाह आपको रात को ही मिलूँगा। दोस्तों अभी जो टेम्परेचर है वो 19 डिग्री सेल्सियस पर है, अभी मजाक ही कर रहा, अभी 19 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर है, तो अभी तो मुझे बहुत ही सर्दी लग रही है, तो काफ़ी लाइक बहुत ही सर्दी है, मतलब 19 डिग्री सेल्सियस पर है, और मैंने कोई जैकेट नहीं पहनी, लेकिन बहुत ही अच्छा मौसम है। तो चलो मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। तो दोस्तों मैं अभी वेलकम जा रहा हूँ, तो मैं अभी सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा घूम रहा था, मतलब कि जैसे कि आप देख सकते हो कि ये पूरा अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये एक पता नहीं वो है, मतलब एक प्लाजा अभी चेंज कर रहे हैं, जैसे आप बाहर जाके देख सकते हो, पहले ऐसे नहीं था, पहले यहाँ वेलकम हुआ करता था, शायद आपको पता होगा अगर आपने मेरी ब्लॉग्स देखी होंगी। तो चलो मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। दोस्तों मैं अभी यहाँ पर हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो 3 नंबर का दुकान लगा हुआ है अभी, तो कि 8 नंबर का लगता है, असल में सुबह का टाइफून लगा हुआ था, असल में मुझे वो मैंने चेक नहीं किया था पहले, तो असल में सुबह का टाइफून लगा हुआ था, तो अभी काफ़ी तेज़ हवा है, जैसे कि आप देख सकते हो हर जगह हवा ही हवा है, तो बहुत ही अच्छा मौसम है। तो अभी ये लाइटें बंद हो गई हैं ग्राउंड की, तो चलो मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। तो दोस्तों मैं भी घर जा रहा हूँ, तो 3 नंबर का तूफान लगा हुआ है, तो मैंने सुबह को चेक नहीं किया था, तो शायद मैंने कहा भी था, और अभी मैं घर जा रहा हूँ, तो 3 नंबर का तूफान अभी तक लगा हुआ है, और चांसेस है कि 8 नंबर का तूफान लग गया कल को, तो क्योंकि आज 1 नवंबर है, तो फिलहाल तो 3 नंबर का तूफान लगा हुआ है, तो पॉसिबल है कल को 8 नंबर का लग जाए, पॉसिबल है, चांस है, लेकिन नहीं पता कि हो सकता लग जाए, हो भी सकता है ना लगे। और तो चलो मैं आपसे एक अगली ब्लॉग में मिलूंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।